रेप? हाँ रेप, वो साला तोतलो और वो घुंगरू मुझे कॉन्टिनेंटल डिश समझ के एक साथ निगल लेना चाहते थे। साले को देख लेंगे, ये ऐसे 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 देखेगा हा? और हम क्या देखेंगे, देख तो वो लेता और जो वो देखता ना उसके बाद हम किसी को कुछ दिखाने के लायक नहीं रहते। रिलैक्स यार, टेक अ चिल पिल, तू मर्द है यार, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? किस एंगल से मर्द लग रहा हूँ मैं हा? अब तो हॉर्मोन्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लग गए। और वो ये इसका जयेश, वो जयेश साला बचाने आया था कि पिटवाने आया था समझ में नहीं आ रहा था। रेप होता ना तो शायद दर्द थोड़ा कम होता। अच्छा छोड़ यार, तू कितना बोलता है। जो भी हो गाइस, इस बात का पता स्वीटी दीदी और बल्लू जी को नहीं होना चाहिए। अननेसेसरली बात आगे बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते यार। लेकिन रोनी का क्या? उस तोतले ततयो तो नहीं थोलेंगे हम, हमारे धलती दर्द पे हाथ डालता है। तू सेब खा रहा है? तरबूज नजर आ रहा है? नहीं, एक्चुअली मुझे सेब के अंदर कुछ और नजर आ रहा है। कीड़ा आधा? जी हाँ। सवाल, बाकी का आधा कहाँ गया? भाई जवाब, बाकी का आधा इसके पेट में गया। करिश्मा उल्टी कर रही है। परीक्षित मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। किसके लिए? करिश्मा उल्टी कर रही है। अरे तू उल्टी कर रही है तो सीधी करवा देंगे, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? करीना परीक्षित बाप बनने वाला है। व्हाट बाप? अरे कमीनो दीदी, दीदी, अरे दीदी, कमीनो 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 कमीनो, अभी अभी आए। हटो तुम, हटो, इधर 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 बैठो बैठो। एकदम खुशी की बात है करिश्मा। कैसे बोलूं, कैसे बोलूं? दीदी मुंह से बोलूं? एकदम खुशी की बात है। अच्छा दीदी, फिर भी मुंह से ही बोलूं? करिश्मा दीदी, खुशी की बात है, खुशी की बात, खुशी की बात है, खुशी की बात, खुशी की बात है, खुशी की बात, 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 खुशी की बात। दीदी दीदी, ये औरतों की खुशी ना मर्दों को कभी भी बर्दाश्त नहीं होती, बार बार बीच में टांग अड़ाते रहते। अभी खबरदार बीच में आए तो चुप रहो, समझे? हाँ दीदी बताओ। करिश्मा इस घर में है ना एक नया मेहमान आने वाला है। कुछ कुछ नया मेहमान? थैंक गॉड, माय गॉड, ये तो वाकई में खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारकबाद देनी है ना तो इन्हें दो। इन्हें? हां क्यों? यही तो बच्चे के बाप है। ये हां तू बच्चे का बाप है। तुझे शर्म नहीं आई? जिस थाली में खाता है उसी में। क्या बोल रही है तू करिश्मा? अरे स्वीटी दीदी जरा सोचो, जब बल्लू जी को इस बच्चे के बारे में पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पे? अरे क्या गुजरेगी, बच्चे के बारे में सुनेंगे तो बल्ले बल्ले करेंगे। बल्लू जी है बल्ले, बल्ले बल्लू जी है, जान के बल्ले बल्ले करेंगे कि आपके होने वाले बच्चे का बाप परीक्षित है। गलती आप लोग करो और उसकी सजा मुझे अबला नारी को भुगतनी पड़ती है। अबला नारी? हाँ। उल्टिया तूने की है, बात तू बनने वाली है। क्या? हाँ तू, दुनिया की सारी औरतें माँ बनती है वैसे तू माँ बन रही है। अब तू रिलैक्स कर और परीक्षित इसका ध्यान रखना, तब तक मैं पूरे मोहल्ले में ये खुशखबरी सुना कर आती हूँ। अबला बजवा लिया ना अपना तबला। खुशी की बात है, खुशी की बात है, खुशी की बात है। और कर उल्टियां? अरे मुझे क्या पता था मेरी एक उल्टी से वो सारी बात उल्टी समझ लेगी। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े? कोई मेरा रेप करना चाहता है तो कोई मुझे प्रेग्नेंट बना रहा है। सुन सुन, एक काम करते हैं, अभी जाके दीदी को बता देते हैं, ये हमारे कीड़े नहीं है, ये उस सेब वाले कीड़े की वजह से हुआ है। अभी अभी चल के बता दे, अभी चल के सब सच बता दे। तुम्हारा बोल रहा हूँ,
तुम्हारी बारी है। ओए बल्ले जी बल्ले, कमाल हो गया। ओए क्या गुड न्यूज़ सुना दी थी सिट्टी जी ने भाई, और तबीयत भड़का दीती है। मुबारका बताइया जी, बहुत बहुत बताइया। बल्ले जी देखिए हमारी बात, और कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखिए करिश्मा जी की जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है, सब संभाल लेंगे। बल्ले जी लेकिन बात तो सुन, एक एक मिनट का ख्याल रखेगा जी आप, देख रहा। और जी पैसे वैसे की फिक्र ना करना, आपका बड़ा भाई जिंदा है, सब हो जाएगा। बल्लू जी अरे बोला, बल्लू जी आप सुनिए ना मेरी बात। बल्लू जी चलो जी। ओहो चलो जी, जाना है। हाँ जाना किधर है? भूल गए ना, गुरुद्वारे जाना है, करिश्मा के लिए मन्नत मांगनी है और व्रत भी तो रखना है। अजी याद आ गया जी, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है जी, बड़ा खुशी का दिन है। ऊपर वाले की बड़ी मेहर है, और पता है कल्पना ने बताया उसने अपनी लाइफ पार्टनर चुन लिया है। और फिर पता चला इस घर में नन्ना मेहमान भी आने वाला है। पल्लू जी हम तो कभी माँ बाप नहीं बन पाए, सालों से घर सूना पड़ा हुआ है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस घर में किसी बच्चे की किलकारियां भी सुनाई देगी। और रब दा जवाब नहीं है, जो आपने रब दा आप लोगों को जरिया बना के ये अरमान भी पूरा कर दिता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पल्लू जी चलिए ना, गुरुद्वारे के बाद वाइफ स्वैपिंग के लिए भी तो जाना है। इसका मतलब है वाइफ की शॉपिंग करानी है? एक ही बात है। एक बात नहीं गलत बात है। चलो आज हाजी हाजी बाय। देखना हम लोग सब नरक में जाएंगे। स्वीटी दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे? हाँ देखो। हाय हाय, I was just passing by, मैंने सोचा एक साथ ऑफिस चलते हैं। Of course, that's perfectly fine, it's good. मैं भी शोरूम ही जा रहा था। Let's go, चलते हैं। चलो ना प्लीज। कैसी लग रही है? डिफरेंट, चलें। सिर्फ डिफरेंट? Beautifully different. Nice, na? चलो चलते हैं। अरे क्या चलो चलो परीक्षित, पहली टाइम तुम्हारी फ्रेंड घर पे आई है, करिश्मा से तो मिला। करिश्मा कौन है? करिश्मा doesn't matter, तुम चलो ना। Hi everyone. Good morning दीदी। Good morning जयेश। लगता है मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप? आरती। मैं जयेश, परी का कजिन। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। परी करिश्मा से मिलवाया इनको? यार तुम सब लोग करिश्मा से मिलवाने के पीछे क्यों पड़े हो यार, चलो ना प्लीज। कम ऑन, सब इतना कह रहे हो तो मिलवा दो ना करिश्मा से। बाय द वे ये करिश्मा है कौन? भाई 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 भाई, मैं इनसे बाय बाय बोल रहा हूँ, प्लीज कम ऑन ना। बाय। अरे सुनते हो मेरा बाय बाय? ये है करिश्मा। नमस्ते। मिसेस करिश्मा पांडे, परीक्षित की वाइफ। और आरती इन्हें मुबारकबाद भी दो, शी इज एक्सपैंडिंग। अरे प्रेग्नेंट है ये, माँ बनने वाली है। प्लान नहीं था। और बाप? पहचान कौन? परीक्षित। परी जल्दी आना। हाँ आजकल मुझे बहुत डर लगता है। तेरी तू पक्का नरक में जाएगा। लुक मैम, आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, इट वॉज नॉट इंटेंशनल। वो क्या है कि शादी इतनी सडनली हो गई कि जल्दी जल्दी मैं आपको इनवाइट करना ही भूल गया मैं। ऐसे करते कल ही मैं आपको अपनी शादी की एक स्पेशल ट्रीट देता हूँ। व्हाट मदर? नहीं ठीक है, जब मेरी बेटी होगी तो उसके पहले बर्थडे का पहला इनविटेशन मैं आपको दूंगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप खुश नहीं है कि आई एम मैरिड? आपको मेरी बीवी करिश्मा पसंद नहीं है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, आप खुश नहीं है, हो भी नहीं सकते, क्योंकि आप मुझसे प्यार करती हैं। और यह मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। ये भीगी भीगी आंखें
झुका हुआ चेहरा, टूटा हुआ दिल, क्या क्या छुपाएंगे? And one more thing for your kind information. I'm not married. और जिसे आपने देखा वो मेरा दोस्त था, भावेश वर्मा. He's a guy, लड़का, boy. काफी दिनों से मेरी बीवी बना हुआ. लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते थे? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वी वर हेल्पलेस. देखो अर्पिता, अगर तुम्हें अभी लगता है कि मैंने तुम्हें चीट किया तो जो मान है, कितने? ओ, एक, पर क्यों? एक रुमाल से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे बहुत रोना आने वाला है. प्लीज फॉरगिव मी, मैंने मेरा टॉमी से सॉरी तुमको डाउट किया. प्लीज फॉरगिव मी, आई एम रियली सॉरी. इट्स ओके, इट्स ओके. इसका मतलब है तुम करिश्मा हो और ये करीना. I can't believe कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना. पता नहीं बेबी, किस्मत अच्छी थी या गेटअप, लेकिन हुआ तो कुछ ऐसी है. हमने डिसाइड कर लिया है कि आज ही बल्लू जी और सूटी दीदी को जाके सब कुछ सच सच बता देंगे. या और वो जो सजा चाहे हमें दे सकते हैं, लेकिन अब हम उनके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते. अच्छा चलो, बल्लू जी और स्वीटी दीदी को सब सच बता देते हैं. चलो. One second, guys, one second. You can't hurt them directly like this. तुम्हें उन लोगों को बताना होगा कि तुमने जो भी किया वो तुम्हारी मजबूरी थी, मर्जी नहीं. हाँ, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, कैसे बताएं? अरे यार, do something about it. Come up with a story. किसी का नाम लो, कोई कहानी बोलो, कुछ भी करो, but just don't hurt them. You're right. पहले उनको थोड़ा ट्रेलर दिखाना पड़ेगा, उसके बाद पूरी फिल्म दिखानी पड़ेगी. चल. अरे चल का, गेटअप नहीं चेंज करेगा? चेंज कर गया. इनका काम तमाम करता हूं. तूने तो पब्लिक में दुकान खोल दी, तू कह रहा है ऐसे कपड़े बदलता है? हाँ. अरे यार, मुझे क्या पता कि दुकान का शटर ट्रांसपेरेंट है. शटर ट्रांसपेरेंट आप भी करते रहते. हेलो रोनी भाई, रॉनी तू? ओह, तो ये रॉनी है. इसी को तो मारा था ना? हाँ. पर ये सुधरता ही नहीं है, अब इसे फिर मारना पड़ेगा. हाँ, ये तो वही होगी ना, आप बेल मुझे मार. तू बड़े ढीठ टाइप होते हैं ना, बेशरम लगा पैदा होता लगता है. ए, हंसता क्या है? चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो ना छोटी 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 छोटे छोटे टुकड़े करके ना कीमा बना दूंगी. हाँ, बल्लू जी और स्वीटी दीदी अब अकेले नहीं है, समझे? हाँ, हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ मिलके तुम दोनों के 12 बजा देंगे. अबे तेरी क्या चले तंदू, औलत पे हाथ उठा ले, तलम नहीं आती है? अरे मर्द है, मर्द पे हाथ उठा. हाँ उठा. अरे भाई, ये भी तो मर्दी है. खूबसूरत इसकी जुल्फी, कितनी खूबसूरत है. हे भगवान, करिश्मा, ये करिश्मा तुमने कब करा लिया? ये तुम why? 900 तुए खाके बिल्ली हट चली, मदोना की माँ की बिग मेले हाथ में है. Oh my God! ये मैं भी देख लो, ये है तुम्हारे लाले पेंगे की तत्ताई. मित्ता बल्लू थिंग धोखे बारी है, तब के तब तुम्हें बेवतू बनाकर ताला घर साफ करके जाने वाले थे. बल्लू जी, Trust me, please. हम आपको सब कुछ सच सच बताने वाले थे. इस घर में नहीं, इधर जगह दित्ती सी, इधर अपने छोटे भाइयों से ज्यादा प्यार दिया. क्या मिला, क्या मिला ऐसा करके? क्या मिल गया? साड़ी भावनाओं का मखौल बना के, अपने मतलब के साडे जज्बातों नु काट कूट कर अपनी चलाकी का फार्मूला बना दिता. कुछ तो शर्म की होती, कुछ तो खौफ खाते उस रब का. सोचा होगा बेवकूफ जज्बाती अकल के अंधे हैं,
झूठे रिश्तों में फंसा कर लूट लो। अच्छा मजाक उड़ा हमारी मोहब्बत का, गलत बात है, गलत बात। दीदी आप तो हमारी बात बस, अब ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। हाँ भैया, अपने अपने होते पलाए पलाए, मिसाल तुम्हारे सामने ही थरे। ए तोतली मुर्गी, मिली भाई हो तुम तलो। चल अब तेरा बहुत हो गया फैमिली एपिसोड, ये ले पेपर साइन करा के ले क्या। हेलो जी, क्या है पेपल? लेट अलोन द पेपल, अपने तत्ते भाई के लिए इतना भी नहीं तल सकते हो, चलो साइन करो पेपर। चंगा। नो बलू जी, वो सारे फसाद की जड़ी रेस्टोरेंट ही है ना, पता किधर साइन करो। बलू जी प्लीज, बलू जी देखिए, आपको जो सजा देनी है हमको दीजिए, हमें मंजूर है, मगर ये मत कीजिए प्लीज। बलू जी देखिए, ये रेस्टोरेंट आपके भाऊजी का है और आप ही ने तो बताया था ना कि कितनी मेहनत से उन्होंने बनवाया, प्लीज गुंडों को मत देना यार। अबे गुंडा किसको बोला बे? सॉरी ए गुंडा साला, मवाली हलकट हरामजादे, कुत्ते कमीने, रेडडिंग हुड। अबे चूसली की छटी औलाद, बासी चौपसुई चीनी चमूने। अबे चुप, भागो। ए तोतले, तुम लोग नहीं ले, हम लोग। तोतली मुर्गी मुझे क्या दिख रहा है, पकड़ उनको। मिस्टर छाबरिया, डोंट वरी, मुझे पता है आपके बहुत पैसे लगे शो में, आई प्रॉमिस यू। नहीं नहीं, डोंट वरी, आई नो दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट चांस, इट विल बी अ बिग हिट। सलीम, तुम भूल रहे हो तुम किससे मुखातिब हो। अच्छी तरह जानता हूँ मैं किससे मुखातिब हूँ, मैं मुखातिब हूँ उस मगरूर बाप से जो शहंशाह के लिबास में अपनी ताकत और शहंशाही का रौब गालिब करने की इंतहाई जलील और बेमानी कोशिश कर रहा है। आपकी ये बुलंद आवाज मेरे इरादों से ज्यादा बुलंद नहीं है जल्ले हिलाई, आपकी शहनशाही, आपके मुगलिया फरमान इंसानों की तकदीर तो लिख सकते हैं लेकिन विजाओं का रुख नहीं मोड़ सकते। लेकिन आज हमारी मोहब्बत के खून से बादशाह सलामत की शिकस्त की इबारत लिखी जाएगी या फिर मुकद्दस सरजमीन पर हमारी मोहब्बत के जीत का परचम लहराएगा। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करने का हक सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम को है, हमें है। चांदी के सिक्कों की झनकार पर नाचने वाली किसी रकासा की ओछी मोहब्बत को नहीं। सलीम, शमशीरों पर जंग की दास्तान लिखी जाती है, मोहब्बत की खोखली और कमजोर शायरी नहीं। अनारकली को पेश किया जाए।